झुंझुनू में बीएसएफ के जवान सड़क हादसे में निधन। सिघाना के जवान सुनील वर्मा का हुआ निधन। पैतृक गांव सिघाना में सैन्य सम्मान से किया अंतिम संस्कार। युवाओं खेतड़ी से सिघाना तक निकाली तिरंगा यात्रा। झुंझुनू के सिघाना के बीएसएफ जवान का ड्यूटी के दौरान सड़क हादसे में निधन हो गया। उनके पैतृक गांव सिघाना में सैन्य सम्मान से अंतिम संस्कार किया गया। बीएसएफ के इंस्पेक्टर गिरीश गोगई ने बताया कि सिघाना निवासी सुनील वर्मा सीमा सुरक्षा बल की 56वीं बटालियन में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के पद पर गुजरात में कार्यरत थे। ड्यूटी के दौरान सड़क हादसे में उनका निधन हो गया। सुनील कुमार के निधन होने की सूचना जब परिवार वालों को मिली तो गमगीन माहौल हो गया तथा परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। युवाओं ने खेतड़ी नगर से सिघाना तक बाइकों पर तिरंगा रैली निकाली। विधायक श्रवण कुमार, पूर्व सांसद संतोष अहलावत, बुहाना प्रधान हरिकृष्ण यादव, चेयरमैन विजय कुमार शर्मा, ढाणा सरपंच विकास सैनी पुष्प चक्र अर्पित किए। इस दौरान जयपुर से आए बीएसएफ के जवानों की ओर से सुनील कुमार को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जवान सुनील वर्मा के 8 वर्षीय बेटे मयंक ने मुखाग्नि दी। बीएसएफ के इंस्पेक्टर गिरीश गोगई ने जवान के बेटे मयंक को तिरंगा सौंपा। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री सुनील कुमार वर्मा, वे आप लोग का गांव का रहने वाला है। ये गांधीनगर में बीएसएफ में तैनात था। गांधीनगर में इन्हें आउटलिविंग परमिशन लेके फैमिली रखा हुआ था। जब ये ड्यूटी खत्म होने के बाद आपका क्वार्टर में जा रहा था बाइक के दौरान अपना पर्सनल, तो रास्ते में एक्सीडेंट हुआ है, यही फैक्ट है। तो हम इस शहीद को आप लोग का पास लेके आए हैं बाकी उनके संस्कार करने के लिए। बाकी हमारा बीच में से हमारा जो बंधु है, हमारा जो दोस्त है, ये सब का एक परिवार को हम खो दिया है, हमारा खेद है। और आप लोग के वो समय पर यहाँ नहीं पहुँचा पाया, फिर भी जब पहुँच ही गया है, बाकी अंतिम संस्कार का कार्रवाई करने के लिए हम अपना परिजनों को अनुरोध करते हैं कम से कम समय में। बीएसएफ के जवान हमारे सुनील कुमार वर्मा देश की सेवा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए हैं। मैं गर्व करती हूं उनकी शहादत पे और उनके परिवार को यह भरोसा दिलाती हूं कि मैं हर सुख और दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ी हूं। राजस्थान में विशेष तौर पर झुंझुनू जिला वीरों की शहादत के लिए जाना जाता है। सबसे अधिक सैनिक अगर है तो झुंझुनू जिले के, और सबसे अधिक अगर सैनिक हैं तो इस हमारे क्षेत्र के सूरजगढ़ विधानसभा के। तो आज आप सबकी तरफ से मैं नम्र आँखों से शहीद को श्रद्धांजलि देती हूँ, और आप सबकी तरफ से मैंने उन्हें पुष्प अर्पित किए हैं। वीर शहीद हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे, वो अमर रहेंगे, और इसी तरह से हमारे जवान देश की रक्षा करते रहेंगे, देश की अस्मिता को अक्षुण रखेंगे।